नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और दूसरे सेगमेंट का बकायदा आगाज करते हैं। चाय हम पहले ही पी चुके हैं, वरना मैं आपको हमेशा चाय याद दिलाती हूँ अपनी तमाम बहनों से इंटरेक्शन के लिए कि अगर आपने नहीं बनाई या दिल नहीं चाह रहा तो बना लो, चाय से ना दिमाग जरा आपका तेज तेज चलने लगता है। और मैं अचानक से जो इतनी खुश हूँ उसकी एक वजह है, पता है क्या वजह है? बहुत दिनों से मेरी एक सहेली जो है मेरे शो पर नहीं आ रही थी, मैंने उनको बहुत मिस किया। और उनसे जो मेरे एक गप्पो वाला सेशन है ना, वो ब्रेक के दौरान इतना होता है कि हम लोग अपनी बातों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम किस मकसद से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सना नजबुल से, जो कि डेंटिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहाँ थी भाई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे यही कमेंट दिया है। और मैं गई हुई थी असल में यूएई, यूएई में कॉन्फ्रेंस थी अरब हेल्थ, आपने सुना होगा। काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ नया आता है वहाँ पे रिलेटेड टू, अगर मेरी फील्ड से बात की जाए तो मेरी फील्ड से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, और अपना जर्नल जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारा एक्सपोजर होता है। काफ़ी कंट्रीज़ के लोग होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। जो है मेरा हर दफ़ा जाना हुआ, लेकिन यूजुअली ऐसे टाइम पे जाना होता है कि अरब हेल्थ में नहीं अटेंड कर पाती, बट इस साल मैंने अटेंड करी। उसके बाद हमारी अपनी डेंटल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उस डेंटल कॉन्फ्रेंस में मैं बिज़ी रही। फिर वहाँ पर कोई कोर्स करना था मुझे, वो कोर्स हम एडवांस कोर्स कर रहे थे, उसमें मैं बिज़ी रही। उसके बाद मेरा वेकेशन टाइम था, तो मैंने बहुत मिस किया। मुझे बहुत दफ़ा कॉल आई आप लोगों के चैनल से, एवरी टाइम मैंने उनको ये बोला कि आई एम नॉट इन पाकिस्तान, आई एम नॉट इन पाकिस्तान। तो और प्राउड मोमेंट ये था कि जो तमाम डॉक्टर्स थे वो तमाम मेल थे, उनमें से आप एक फीमेल थी, तो ये हमारे लिए जो है वह वुमेंस डे भी अभी गया है, अनकरीब गुजरा ही है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जितनी यहाँ से डेलीगेशन पाकिस्तान से गई थी उसमें ज़्यादातर कोई भी लड़की नहीं थी, आई वॉज ओनली वन। सो वहाँ जाने का लोनलीनेस बहुत फील हुई मुझे। गॉसिप नहीं मिला होगा ना, बातें नहीं हुई हमारी, गॉसिप के लिए किसी ने आपको कमेंट भी नहीं किया कि इतनी प्यारी लग रही हो, है ना? ऐसा होता है ना, खवातीन बहुत। हाँ, किसी ने कमेंट नहीं किया, लड़की वाला कमेंट थोड़ा अलग होता है, मतलब कोई और कमेंट करे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो ये चीज़ थी, और जो है वो गॉसिप नहीं हुई, तो टोटली फोकस थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर था। ओके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। दो लड़कियां मिल जाती तो डिस्ट्रैक्शन, हाँ अच्छा मजा आ जाता। लेकिन अब सना जो है ना, मैं बोर होने लग जाती थी एक टाइम तक, मैंने पढ़ लिया, उसके बाद जो मुझे ब्रेक टाइम मिला है तो मैं बोर होती थी, फिर मैं वीडियो कॉल करती थी यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को, और फिर मैं बैठ के वीडियो कॉल पर उनसे बात करी होती थी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ और ये। अरे अल्लाह, चलो अच्छी बात है, अब आप आ गई हैं तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बढ़ते हैं आपकी फील्ड की जानिब, डेंटिस्ट्री। रमजान की आमद आमद है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब रोजे की हालत में आप दांत नहीं निकलवा सकते या कोई भी ट्रीटमेंट दांतों के हवाले से आप नहीं करवा सकते, तो क्या ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई सदाकत है भी या नहीं, या ये टोटली मिथ्स है? देखिए, पहले बहुत पहले ये था कि आप कोई भी काम नहीं करा सकते, अगर आपको कोई भी डेंटल इशू है तो आप रमज़ान रोज़े की हालत में आप बहुत सारे ऐसे काम हैं मैं नहीं करा सकता। ज़्यादा चेकअप लोग मेरे पास आते थे ज़्यादा चेकअप कराने के लिए, इवन मैं भी थोड़ा अवॉइड करती थी काम करने से, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब सर्टन लेवल में थोड़ी कन्फ्यूज थी कि आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं या ये प्रोसीजर नहीं कर सकते ना। लेकिन देखिए, हमारे लिए ना हर चीज़ इतनी आसान कर दी गई है। हमारा जो रिलीजन है वो इतना ईजी, मुझे लगता है सबसे ईजी रिलीजन है, मतलब आपके पास इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इस टर्म में आप कुछ और कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ की कंडीशन एक बना दी। तो जो है ये होता था कि मैं रोज़ा रख लिया तो बस रोज़ा रख लिया। अब रोज़े में आपको अगर बीमार हो रहे हैं या आपको कोई तकलीफ है या कुछ है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप इंतज़ार करें रोज़ा खोलने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दांत में दर्द हो रहा है, आप जा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो करा सकते हैं, सर्टन लेवल है, सर्टन पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स तक आप कर सकते हैं और इन पैरामीटर्स तक आप करा सकते हैं, ठीक है, उसके बियॉन्ड आप नहीं करा सकते। कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप दांत निकलवा सकते हैं, दांत हिल रहा है और आपको इरीटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और आप इफ्तारी तक का इंतज़ार नहीं कर सकते कि आपका इफ्तार हो, और आप जो है वो इतना वेट नहीं कर सकते और बहुत इरिटेटेड है, आपने सहरी कर ली है, दांत हिलना शुरू हो गया और अब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप एनेस्थीसिया लगवा के दांत भी निकलवा सकते हैं। ओके, बिल्कुल। लेकिन ये वो दांत है जो कि हिल रहे, इरिटेट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप यूजुअली अपनी सर्जरी को प्लान कर लें रोजे की हालत के अंदर, कि आप सोचें कि एक नॉर्मल सी सर्जरी थी, आप उसको बाद में भी आप
कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेशली आप रोजे की हालत में जा रहे हैं, मैं लोगों से कहती हूँ रोजा ना छोड़ें सिर्फ इसलिए कि आपके आपको कोई दर्द है. आप कोशिश करें कि अपना रोजा रखें आप, क्योंकि रोजा एक तो इबादत है, दूसरी बात ये कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन करती है आपकी बॉडी से. आप साइंटिफिक रीजन देखें तो रोजा आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. पूरे साल जो आप खाते हैं पीते हैं गंदगी, और हम तो बहुत ही ज्यादा खैर बहुत ज्यादा बाहर का और ये सब कुछ, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करने का एक नेचुरल तरीका है, और वो इबादत भी है, बेशक उसका सवाब भी है, और साथ में आपकी बॉडी और हेल्थ को भी वो मेंटेन कर रहा है. तो मैं पेशेंट से कहती हूँ कि रोजा ना छोड़ने को, जैसे बहाने वाले लोग होते हैं, बहानेबाज, जो कि जिनको बहाना चाहिए, सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, मेरे दांत में दर्द है, तो मैं रोजा नहीं रखूंगा. अच्छा मतलब जो लोग सवाल करते हैं कि रमजान ट्रांसमिशन में कहते हैं, ये जो लोग बैठे हुए होते हैं जी रमजान ट्रांसमिशन में जो मीडिया से और होस्ट होते हैं, इनका रोजा होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है. आपको किसने कहा इनका रोजा नहीं होता? बिल्कुल होता है. हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, मैंने कहा वो लोग मैनेज कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उनका रोजा होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका रोजा नहीं होता, बल्कि उनका मैंने देखा उनका ज्यादा होता है. मतलब मैं जब भी आप लोगों के शोज में आई हूँ, अफ्तारी होती है तो नॉर्मली सब रोजा खोल रहे होते हैं और सबका रोजा होता है, और ऐसा मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई एक्टिंग हो रही होती है. वो लोग समझते हैं सब कुछ ही दिखावा है, लेकिन बियॉन्ड द स्क्रीन लोग समझ रहे होते हैं कि ये सब दिखावा हो रहा है कि इन्होंने रोजा रखा हुआ है. ऐसा नहीं है. मैंने नॉर्मली मैंने देखा कि आजकल लोग रोजा छोड़ते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है. मैं कहती हूँ नहीं छोड़ना चाहिए रोजा. आप कोशिश करें कि अगर आप बिल्कुल सही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर लें. जैसे मैंने आपको अभी हम ब्रेक से पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे थे कि इन कंडीशंस में आप रोजा रख भी सकते हैं और ये कंडीशंस आप कर भी सकते हैं. ठीक है, तो कौन से प्रोसीजर्स हैं? आपने कहा दांत निकलवा सकते हैं, दांत अगर इरिटेट कर रहा है, अगर उसके अलावा एनेस्थीसिया देके दांत निकलवा सकते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं. पहले ये था कि एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि एनेस्थीसिया आपको सुन करता है, एनेस्थीसिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे या कोई खुराक के तौर पर हम वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो एनेस्थीसिया हम लगा सकते हैं. अच्छा, दूसरा ये है क्योंकि उसका टेस्ट भी इतना आता नहीं है, और इतना एनेस्थीसिया लगा सकते हैं जितने में टेस्ट ना आए मुंह के अंदर. दूसरी चीज़ ये, आप स्केलिंग कर सकते हैं, दांत साफ कर सकते हैं, वहां तक कि आपके हलक के अंदर पानी ना जाए. Okay. अब इसमें करने वाले की एक्सपर्टी भी होनी चाहिए और कराने वाले को भी इतना पता होना चाहिए कि मेरे हलक के नीचे पानी नहीं जा रहा. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, और आपका इक्विपमेंट भी अच्छा होना चाहिए कि आपका मतलब वो सक कर सके वाटर सारा. आप फिलिंग्स करा सकते हैं, आप फिलिंग करा सकते हैं, आप रूट केनाल करा सकते हैं. आप रूट केनाल अगर आपको करानी है और इमरजेंसी है, एकदम से स्वेलिंग हो गई है और अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप एनेस्थीसिया देके आप थोड़ा सा ओपन करा सकते हैं. आप पूरा प्रोसीजर ना कराएं, एटलीस्ट आप ओपन करा सकते हैं. ठीक है, तो ये आप करा सकते हैं. आप ब्रश कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं. यहीं से कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन. यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं. देख रही अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह. नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह. नौरीन सना ने बताया, नौरीन भी अचानक से याद आ गई. देखो नौरीन, तुम और सना दोनों एक दिन एक साथ आओ ताकि हम बैठ के बहुत अच्छी बात करें. तो मैं लाइव कहना चाहूंगी कि हम आपको अभी बहुत मिस कर रहे हैं. अच्छा सना, मुझे बताया ब्रश का, आपने कहा कि ब्रश कर सकते हैं रोजे की हालत में, क्या माउथ वॉश कर सकते हैं? देखिए माउथ वॉश में टेस्ट होता है, सही है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपके मुंह में बहुत देर तक टेस्ट रहता है. तो माउथ वॉश से ज्यादा बेहतर हल्का गर्म पानी जो है वो आप इस्तेमाल कर लें, रिंस करने के लिए, कुल्ली करने के लिए हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल कर लें. और जो है लेकिन अगर टूथपेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपको कहीं से फ्रेग्रेंस लेस, सही है, टेस्ट लेस टूथपेस्ट मिल जाता है. जैसे मैं सऊदी अरब गई थी तो वहाँ क्योंकि उमरा कर रहे होते हैं तो आपको पता है उमरे में फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें सोप में स्मेल नहीं होती है या उसमें फ्रेग्रेंस मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर जो शैम्पूज या जो भी प्रोडक्ट यूज़ होता है उसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होती, वो ऑर्डरलेस प्रोडक्ट्स होते हैं. तो अगर ऑर्डरलेस और टेस्टलेस प्रोडक्ट है तो आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज बिल्कुल ये नहीं है कि आप ब्रश ही ना करें, दांत साफ ना करें. आप खाली ब्रश होता है ना, खाली ब्रश जिसमें टूथपेस्ट का बिल्कुल टेस्ट ना हो, आप खाली ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रशिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड यूजिंग अ टूथपेस्ट इज समथिंग डिफरेंट. मैं आपको हमेशा हर शो में ये बात बताती रही हूँ कि ब्रश करना एक अलग चीज़ है और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है. बिल्कुल मिसवाक एक अलग चीज़ है. मिसवाक में टेस्ट होता है, मिसवाक यू कैन यूज, सही है, लेकिन ना जब आपको जैसे रोजे में आपको दांत साफ करना, आप कैसे करें? अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हम रोज़ा यूजुअली हम रख कर हम ब्रश करते हैं उसके बाद नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने हम सो जाते हैं, सो गए, सो के जब हम उठते हैं तो मुंह में एसिड होता है, सही है. अब अगर वो एसिड मुंह में रहता है बहुत देर तक तो आपके दांत जो है ना उस एसिड की वजह से ख़राब हो रहे होते हैं. वो मैंने आपको हर दफ़ा ये बात बताई है कि एसिड से दांत घुलते हैं.
तो बेहतर ये है कि आप ब्रश लें, खाली ब्रश बगैर टूथपेस्ट का, और आप एक दफा अपने दांतों के ऊपर उस ब्रश को ओके कर लें, ठीक है, हल्के से फेर लें या ब्रशिंग कर लें विदाउट टूथपेस्ट या विदाउट एनीथिंग, और उसके बाद उसको रिंस कर लें। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उठे और उठ के आपको अगर दो घंटे बाद स्कूल जाना है या आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऑफिस जाना है तो आपने अब रोजा रख के आप सो गए ब्रश करके, उसके बाद आप उठ रहे हैं और आपने सिर्फ रिंस किया और आप अपने ऑफिस चले गए, क्योंकि आपकी मैंने वही बात है कि एसिड एक्यूमुलेशन हो रही होती है, उसको खत्म करना जरूरी है। एक दफा आप ब्रश लाजमी कर लें, और इसी तरह दिन में 3-4 दफा जब आप वजू करने के लिए जाएं, सही नमाज के लिए वजू कर रहे हैं, उससे पहले एक दफा ब्रश लाजमी कर लें, क्योंकि एक तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना खाली पेट में एसिड बन रहा होता है, एग्जैक्टली, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रमजानों में खाली पेट में एसिड बनने का प्रॉब्लम जो है, उसकी वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं, उनको सेव करने के लिए आप ये करें। दूसरा, प्लाक जो होता है आपका वो एक नेचुरल प्रोसेस है बनना, टीथ के ऊपर प्लाक बनना स्टार्ट होगा एक सर्टेन ड्यूरेशन के टाइम, अगर प्लाक रिमूव ना किया जाए तो वो कन्वर्ट होता है कैलकुलस के अंदर, वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप उस प्लाक को ब्रश से ही रिमूव कर देते हैं तो एटलीस्ट ये होगा कि आप वो कैलकुलस वाली कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। यूजुअली मैंने देखा है कि रमजान के बाद लोगों के दांत खराब बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान जो है वो बिल्कुल दांतों की केयर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, वो सहरी में कर लेंगे दांत साफ, या फिर वो अफ्तारी के बाद कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो भूल जाते हैं, भूल गए नहीं किए, सही है। तो मैं उनसे कहती हूँ अच्छा फिर अफ्तारी के बाद लाजमी माउथ वॉश कर लिया करें, तारी कर ली उसके बाद एक दफा माउथ वॉश कर लो, कि एकदम से पूरे दिन आप फास्टिंग पे थे और उसके बाद हमारा खाना कोई इतना नेचुरल और अच्छा तो है नहीं, सही है, और हम ज्यादातर फोकस ये करते नहीं कि हम हेल्दी फूड खाएं, रोजा खोलने के बाद हम ज्यादातर अनहेल्दी फूड ही खा रहे होते हैं, समोसे पकौड़े, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमें ना इस ये जो है ना फ्राइड आइटम इसको तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, मैं शरीफ खिलाफ हूँ रमजानों में, लेकिन वो थोड़ा बहुत आप खा लें, बट लेकिन लोग ये कहते हैं ना दस्तरखान की जीनत ही नहीं बढ़ती जब तक समोसा नहीं दिखता, और दुनिया वो हाल में रोजे नहीं रखते, हमारे यहाँ नहीं आता, दुनिया में लोग रोजे रख रहे हैं उनको तो मसला नहीं है, वो तो ये चीजें नहीं खा रहे हैं, हम हमारा सकते पाकिस्तान में बगैर ये खाए रमजान जो है वो चलता नहीं, मुकम्मल ही नहीं होता। महंगाई इतनी है, ऑयल के प्राइजेस कहाँ पहुंच गए, वीट के प्राइजेस कहाँ पहुंच गए, लेकिन हमको फिर भी फ्राई करना है, एग्जैक्टली, और फ्राई खाना है, और वो जो हम रोजे में एक बेनिफिट ले सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, उस बेनिफिट को छोड़ के आप मजीद अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छे से आपने बताया। अच्छा, ब्रश कर सकते हैं लेकिन ब्रश टूथपेस्ट के साथ नहीं करना, नहीं, रोजे की हालत में आप ऐसे ही ब्रश कर सकते हैं, वही बात है कि उसका टेस्ट आ रहा होता है, मुंह टेस्ट आ रहा होता है। अच्छा, ड्रिप लगवा सकते हैं रोजे की हालत में? देखिए, ड्रिप में हम ऐसा ड्रिप लगवा सकते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कि कमजोरी की हालत में हमने कोई ड्रिप ऐसी लगा दी कि जो हमारी कमजोरी को, यानी होता है ना कि कुछ ड्रिप्स ऐसी होती है कि हमने खाना नहीं खाया और हम चकरा के गिर गए और ये सब कुछ, उसके बाद हमने आईवी लगा दिया पेशेंट को, और वो आईवी बेसिकली न्यूट्रिटिव कोई ग्लूकोज, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगी ग्लूकोज की जो ड्रिप होती है, लोग बोलते हैं ना ग्लूकोज की वो बॉटल लगा दी है ये वो, तो वो आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ऐसी ड्रिप्स आप नहीं लगा सकते। आप को अगर एकदम से पेन हो गया है तो पेन किलर वाले जो आईवीज होती हैं वो आप लगा सकते हैं पेन किलर, क्योंकि आपको बहुत सीवियर पेन है उस जगह, हम पेन कंडीशन में हम कुछ और नहीं कर सकते, तो जहाँ पेन की बात है हम उसको कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आईवी लगाना जिसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है तो वो हम नहीं लगा सकते। अच्छा, मैं ये बात बता रही हूँ, मेरे पास मैंने आपको शेयर भी किया है ये सारी नॉलेज, हमने स्पेशली ये सऊदी अरब से पूरा एक लेटर मंगवाया था जिसमें पूरे रिकमेंडेशंस थी कि ये काम कर सकते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, सुनने वालों को चाहिए कि वो एक दफ़ा मेरी बात को तस्दीक कर ले, बिकॉज मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, बट ये कि अगेन जहाँ तक मैंने अपने लिए नॉलेज ये गेन करी है, बिकॉज मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे साथ और कुलीग्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम भी काफ़ी टाइम से परेशान थे कि हम रमज़ानों में पेशेंट को कैसे ट्रीट करें रोजे में। हम उनको ये एडवाइस ही कर सकते हैं कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन हम उनको रोज़े में किस तरह ट्रीट कर सकते हैं ये हम, ठीक है। तो इंजेक्शन लगवाने से टूट जाता है रोज़ा? देखिए, इंजेक्शन भी वही है, न्यूट्रिटिव इंजेक्शन है, वाइटामिन्स के इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, या हम समझे जैसे ब्यूटी के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, या हम ऐसे इंजेक्शन वो नहीं लगा सकते। आप इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो पेन किलर है, बहुत
समझो सिवियर पेन हो गया है, रोज़ा है पेशेंट का, सिवियर पेन हो गया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम रोज़ा तोड़वा नहीं सकते उसका कि रोज़ा तोड़े वो, तो बेहतर ये कि हम उसको पेन किलर लगा सकते हैं उस ड्यूरेशन के लिए कि उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाए. ओके, फिर उसके बाद जो है वो, उसके बाद फिर हम उसकी जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो ट्रीटमेंट करेंगे. लेकिन अगर बहुत ही सिवियर पेन के साथ पेशेंट है तो हम पेन किलर का इंजेक्शन उसको इंट्रामस्कुलर यानी मसल के ऊपर हम लगा सकते हैं. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नाक में से अचानक ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और ब्लड आ गया, तो क्या उसमें भी, उस हालत में भी रोज़ा टूट जाता है? देखिए, अगर खून इतना आ रहा है कि कतरा कतरा खून आ रहा है या थोड़ा सा आ रहा है तो उसमें नहीं रोज़ा टूटता, क्योंकि वो एक कंडीशन है ऐसे है. अगर तो वो अंदर जा रहा है या बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो देर इज़ अ चांस कि रोज़ा टूटे. लेकिन और अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या आप निकाल रहे हैं तो भी हम कह सकते हैं, ब्लड की एक क्वांटिटी है, इतनी इतनी क्वांटिटी अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी के किसी भी हिस्सा से, आपकी बॉडी पे कट पड़ गया है, आपकी नाक में कट पड़ गया है या कहीं पे भी कान पे कट पड़ गया है, सही है, दांत से इतना खून आ रहा है, इतना जैसे दांतों से यूजुअली लोगों को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है. बात यहीं से कंटिन्यू करते हैं, सना ब्रेक का टाइम आ गया. नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह. बढ़ते हैं सना के जाने, क्योंकि रमज़ान की आमद आमद है तो बहुत सी मिथ्स जो है वो हमारे दिमाग में होती हैं, लेकिन सना ने ये बात क्लियर कर दी कि उनको भी सऊदी अरब से एक लेटर वगैरह उन्होंने मंगवाया था. कि बहुत डेंटिस्ट्री में ना आप समझ नहीं आ रही होती आपको कि हम मतलब पेशेंट को किस तरह से फैसिलिटेट करें, उसको बेचारे को जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से निकलवाएं. तो आपने कभी ये सोचा कि इस तरह से कुछ करते हैं और सऊदी से कुछ ऐसा लेटर वगैरह वहाँ से कुछ मंगाते हैं? थोड़ा ब्लेसिंग ये हुआ कि मेरी सिस्टर सऊदी अरब में काम कर रही थी. ओके, तो उनके यहाँ क्या होता है कि वहाँ हर चीज़ के लिए ना यहाँ की तरह नहीं है कि मैंने इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है. तो वहाँ बेसिकली गवर्नमेंट जो है आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ख़ुद हर साल रिवाइव करके, अपना नॉलेज रिवाइव करके, और वो प्रॉपरली फतवे के साथ जो है ना वो भिजवाते हैं कि आप ये काम इस तरह कर सकते हैं या ये काम या ये ट्रीटमेंट एज एन मुस्लिम आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ट्रीटमेंट बहुत सारी, लेकिन ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं ओवरऑल वर्ल्ड में जो कि डिफरेंट कल्चर्स में हो रही हैं, बट अगर हम एज एन मुस्लिम्स की बात करें तो हमारे यहाँ अभी भी अलाउड नहीं है, वो ट्रीटमेंट्स हम नहीं करा सकते ना. जैसे आपने, अब मैं नाम ही ले सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम नहीं करा सकते. तो बेसिकली वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे वो उसको भेज देते हैं कि कितना लेवल है और कितना पैरामीटर है, कि अगर हम अगर पेशेंट मुस्लिम है तो उसके लिए क्या पैरामीटर है. एथनीसिटी पे भी, आपके एथनीसिटी पे, आपके रिलीजन पे भी डिपेंड करता है. अगर रिलीजन ऐसा, अब अगर रिलीजन कोई और सा है तो उसके लिए क्या पैरामीटर है या दूसरे रिलीजन के लिए क्या पैरामीटर्स है, तो विच इज़ वेरी गुड. यहाँ पर अभी तक आपने ऐसा, तो यहाँ पर हम कब ये वाला सिस्टम लागू करेंगे, कब होगा ऐसा कुछ? पता नहीं कब होगा, ये एक हम अपनी राय ही दे सकते हैं, ये सोच सकते हैं और अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए. आप बताएं कि यूनिवर्सिटी रोड का की सड़क कब बनेगी, आपको उसका आइडिया है? नो आइडिया. तो इस चीज का भी नो आइडिया. नो आइडिया. हिजामा जो लोग करवाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पिक्चर्स आई उसमें हिजामा भी था, एक तो हिजामा कपिंग जिसको कहते हैं वो भी करवा सकते हैं रोजे की हालत में, उससे रोजा टूटता है या नहीं? नहीं, हिजामा का जैसे मैंने पढ़ा है कि हदीस है, उसको आप कर भी सकते हैं, आप टैली भी कर सकते हैं, कि उसमें है कि हिजामा करना भी मना है रोज़े में, यानी रोज़ादार हिजामा भी नहीं कर सकता और रोज़ा जिसका है वो करवा भी नहीं सकता. Okay. दोनों केसेस में. तो वो आप, वो ऐसा कोई, देखिए हिजामा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें आप कोई लाइफ थ्रेटनिंग है. हम लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वहाँ पे हम इंजेक्टेबल्स भी लगा सकते हैं, वहाँ हम दांत भी निकाल सकते हैं, वहाँ हम ये भी कर सकते हैं वो भी, लेकिन हिजामा इज़ नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. दूसरी बात यह कि ब्लड की जो क्वान्टिटी है बहुत ज़्यादा निकलती है बॉडी से, तो अगेन उसके लिए मना किया गया है कि हिजामा आप नहीं करा सकते. आप रमज़ानों में कराएं, वैसे इफ्तारी के बाद करा सकते हैं. आप सर्टन डेज होते हैं हिजामा के, सर्टन डेज होते हैं, आप उन सर्टन डेज में हिजामा करा सकते हैं. आपने सुना होगा कि पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्रे के बाद भी हिजामा कराते थे, हज के बाद भी हिजामा कराते थे, कुछ सर्टन डेज में कराते थे, लेकिन उसमें हर जगह ये है, मैंने जहाँ तक अभी तक पढ़ा है, हर जगह ये कि रोज़े की हालत में आप हिजामा नहीं करा सकते, क्योंकि ब्लड की क्वान्टिटी ज़्यादा निकल रही है. इस तरह ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते आप. ब्लड डोनेट देखिए, ये और ये कंडीशन क्यों है, इतना ज़्यादा ब्लड अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इतना ज़्यादा अगर ब्लड लॉस बॉडी से होगा और आप पेशेंट जो है वो रोज़े की हालत में है और इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको वो अनकॉन्शियस हो सकता है, वो फेंट हो सकता है. अगर आप उसको मेडिकली देखें तो वो इसलिए मना किया गया. हमारी हर चीज़ का कहीं ना कहीं जो कोरिलेशन है वो कहीं ना कहीं इंसान के बेनिफिट में ही है. बिल्कुल, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है. आप देखें ना कि रोज़ा है जो फास्टिंग हम रख करते हैं, आप अब जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई है और जो अंग्रेज हैं वो ये प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें. हाँ.
तो मतलब आप ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कितने ब्लेस्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक 4-5 दिन के बाद ही वो नज़ारा हम सब देखेंगे दोबारा से, मस्जिदों की रौनक बहाल हो जाएंगी। वैसे भी होती है लेकिन रमजान में थोड़ी अलग ही समा होता है। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं रोजे की हालत? देखिए ब्लड टेस्ट वही है कि अगर पेशेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया है और बहुत ज़रूरी है अभी हमारा ब्लड टेस्ट करना, तो हम कम क्वांटिटी में ब्लड टेस्ट कर सकते हैं उसको। किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें मतलब ये भी वही वाली बात है कि लाइफ थ्रेटनिंग, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी ऐसी कंडीशन में है कि अभी इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हम वेट नहीं कर सकते, वी कैन डू ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यूजुअली आप जो है रोजे की हालत में ब्लड टेस्ट कराने चले जाएँ। आप जा सकते हैं, जैसे शुगर टेस्ट करा सकते हैं, शुगर में बहुत कम ब्लड रिक्वायर्ड होता है, या वो टेस्ट जिसमें बहुत कम ब्लड जो रिक्वायर्ड होता है तो आप वो टेस्ट करा सकते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप, अगेन वो हिजामा वाली बात है, इतनी ना हो कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है और आप उसके बाद फेंट हो रहे हैं, ऐसा वाला कुछ हम कंडीशन नहीं कर सकते। ठीक है, रमज़ान में आपके क्लिनिक की क्या टाइमिंग है, आपका क्लिनिक कहाँ है, आप हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि आपके पास आए वो लोग। मेरा एक क्लिनिक तो आपको पता है डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, गुलशन ब्रांच है हसन स्क्वायर पे। वहाँ मेरे टाइमिंग्स होंगे डेली बेसिस पे 2-5, मतलब ड्यूरिंग द रोज़ा टाइम 2-5 होंगे। और गुलिस्तान जौहर में जो मेरी क्लिनिक है ब्लॉक 15 में नजमुल डेंटल क्लिनिक, उसके जो टाइमिंग्स होंगे वो होंगे यूजुअली रोज़े के बाद। अच्छा, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया, 8-11। वाओ, क्योंकि रोजे के बाद ही ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबली रोजे के। मैं खुद पेशेंट को यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है या अभी आप इतना टॉलरेट कर सकते हैं तो बेटर है कि आप रोजे के बाद आएँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको घर में बेयर करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक दफ़ा रोज़े में भी आके दिखा सकते हैं। ठीक है, आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं अगर कराने की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो। ओके, अच्छा सर ना रोज़े की हालत में अगर अचानक से ना बहुत एकदम से दांत में दर्द शुरू हो गया और आपके पास आने में भी टाइम आपके और टाइमिंग मैच नहीं होती, तो कोई ऐसा चीज़ आप शेयर करना चाहेंगी नाज़रीन से जो वो कर सकें घर में इमीडिएटली? देखिए अगर बहुत सिवियर पेन है तो अगेन आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं पेन किलर। अगर बहुत सीवियर पेन है और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा है आपसे और अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 3-4-5-6 घंटे हैं और आपको लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा पेन टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ करेगा, तो आप जो है ना आप इंजेक्टेबल्स लगा सकते हैं, आप इंजेक्शन लगा लें, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं सकते, वो तो आपकी डायरेक्ट स्टमक में जा रही होती है। इंजेक्टेबल में ये है कि आप इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगा लें और अपना टाइम पूरा कर लें, या फिर कोशिश ये करें कि आप एक दफ़ा आके डॉक्टर को विजिट कर लें, दिखा लें, ताकि हम अगर पेशेंट का ना पेन वेरी करता है, हर पेशेंट का पेन वेरी है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं आप यकीन माने कि वो डॉक्टर की शक्ल देखते हैं उनका पेन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको सच बता रही हूँ। आई ड्रॉप्स का भी कुछ है सिस्टम उसके बारे में? देखिए आई ड्रॉप में भी अगेन अगर उसमें कोई आईज का ताल्लुक आपके स्टमक से बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, सही है, आँखों का ताल्लुक आपके स्टमक से बिल्कुल नहीं होता, आँख एक अलग से ही अल्लाह ताला ने आँख को इतना महफूज रखा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना दांत निकालने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो मुंह का ताल्लुक आंखों से है ही नहीं है, ठीक है, आँख का ताल्लुक डायरेक्ट दिमाग से है और मुंह का ताल्लुक भी दिमाग और आपके पूरे एलिमेंट्री जो आपका कैनाल होता है उससे है। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं दांत निकालेंगे आँखें चली जाएंगी या ये वो, तो अगर आपको आई ड्रॉप बहुत ज़रूरी है डालना और आई में इन्फेक्शन हो गया और डालना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप डाल सकते हैं, आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं। आप इनहेलर जो होता है, जो लोग एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं इवन दे कैन यूज़ इनहेलर, अगर एक तो उसमें फ्रेग्रेंस ना हो इनहेलर में और वो क्योंकि वो पूरी जब हम इनहेल करते हैं तो वो फैल जाता है, जो आपके इन्वायरमेंट है उसमें फैल जाता है, तो इनहेलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एस्थमेटिक पेशेंट बोले मेरा रोज़ा रखना ही नहीं है, मैं मुझे तो एस्थमा है, मैं रोज़ा कैसे रखूँ, तो हमारे यहाँ बहाने हैं ना हर चीज़ के। मैं जब GPs के साथ प्रैक्टिस करती थी, आप यकीन करें हमारे पास पेशेंट्स आते थे और बोलते थे कि डॉक्टर साहब बस लिख के दे देंगे मैं रोज़ाना रखूँ। मतलब आप सोचें, आप मुझे लिख के दे देंगे मैं रोज़ाना रखूँ, क्यों? मैं पेट में बहुत दर्द है, कहती थी कोई बात नहीं दवाई खा लो। एग्जैक्टली, दवाई खाओ। मैं कहती थी आपकी मर्जी, आप रखें ना रखें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमसे इस तरह का मशवरा नहीं दे सकते कि मैं आपको लिख के दूंगी आप रोजा ना रखें। आप मुझे भी गुनहगार कर रहे हैं। हाँ, खुद तो आप करेंगे साथ। हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं, या फिर वो गायनी का जिनको इशू है, वो लेडीज कहती थी कि आप मुझे बता देंगे मैं रोजा ना रखूँ। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप रोजा रख सकते हैं, अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल सही है प्रेगनेंसी में, अगर आप बिल्कुल ठीक है आप रोजा रख सकते हैं। फीडिंग मदर्स भी रख सकती हैं। बिल्कुल, अगर आप फीडिंग मदर हैं और आप समझती हैं कि उस ड्यूरेशन के अंदर आप मतलब आप बच्चे को टैकल कर सकती हैं, वो भी रख सकती हैं। डायबिटीज़ में मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल डायबिटिक हैं आप और आपकी शुगर जो है 200-300 से ऊपर जा रही है और आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है और आप एकदम फेंट हो जाते हैं या कोई ऐसी सर्टन कंडीशन है,
फिर मैं आपको बोलती हूँ कि आप रोज़ा ना रखें क्योंकि आप डायबिटिक हैं, ठीक है, या अगर कार्डियक इशू हुआ है और अभी ही रिसेंटली आपको आपका कोई हार्ट सर्जरी हुई है और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन लेना ऑन टाइम, या आपका कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, न्यूरो का पेशेंट है, उसको बिल्कुल ऑन टाइम मेडिसिन लेना है और वो बहुत मेडिसिन डिपेंडेंट है, मैं उन पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप रोज़ा ना रखें, वो छोड़ सकते हैं, वो उसका फिदिया जो है वो आप अदा कर दें, आप रोज़ा ना रखें। और जब आप ठीक हो जाएँ, इवन मेरी मदर जो है बेड रिडन थी, न्यूरो पेशेंट थी, एक साल उन्होंने नहीं रखे रोज़े, फिदिया दी, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर उन्होंने वो इवन वो न्यूरो पेशेंट है बट रखती हैं माशाल्लाह, वो आराम से रखती हैं। और उन्होंने जो एक साल नहीं रखे बेड रिडन होने पे, तो वो ये मुझसे कहती थी कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि ज़िंदगी भर रखने के बाद और ये ऐसा टाइम है कि मैं नहीं रख पा रही हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर भी एक कंडीशन है कि ना रखें, लेकिन ये कहना कि मैं स्मोकर हूँ, मैं बगैर स्मोकिंग के नहीं रह सकता, लोगों के बहुत रीजंस होते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं बगैर स्मोकिंग ही नहीं रह सकता, तो मैं ना रखूँ। तो हालांकि देखिए फायदा जो है वो हमारा ही है, बल्कि मैं कहती हूँ स्मोकर्स को तो बहुत फायदा है। एग्जैक्टली, स्मोकिंग छोड़ना, अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है, किसी को भी अगर स्मोकिंग से बाहर निकलना है, किसी भी नशे से बाहर निकलना है, और वो रमजान के 30 दिन रोजे रख लेना, तो 30 दिन के बाद उसमें इतना टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है, इतने पेशेंट्स क्रिएट हो जाते हैं कि वो आराम से स्मोकिंग छोड़ सकता है। ज्यादातर डॉक्टर्स मशवरा देते हैं स्मोकर्स को कि आप रमजान में रोजे रखें, ठीक है, आपकी वो जो टॉलरेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा, फिर आपको खुद जो ना अर्ज जो होगी ना स्मोक की अर्ज, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, इतना बेहतरीन रमज़ान की सूरत में अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है और हम खुद उससे फ़ायदा ना उठाएं तो ये हमारी ही बदनसीबी और बदकिस्मती होगी, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहाने तो ला तादाद है लोगों के पास, बहुत सारे बहाने बना के कह देते हैं, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, रोज़ा नहीं रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगी, लेकिन यही है कि अपनी ज़ात से अगर आपको मोहब्बत है तो आप अपने लिए रोज़ा रखें, अल्लाह के लिए रोज़ा रखें। और नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म, सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया खत्म, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से पीर के रोज मुलाकात होगी, जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइनल, पीएम आने लाला, हाफिज़ नाज़रीन।